प्रियंका ने जिज्ञासा की, कह रही हैं, प्रणाम आचार्य जी। कई बार मन में शंका उठती है, यह जो शिविर के बाद व्यवहार में परिवर्तन आया है, कहीं ये आचरण मात्र तो नहीं है, ये हल्कापन, आसपास घट रही चीज़ों को लेकर चिंता न करना, बेपरवाही का भाव, जो बातें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, संबंध, करियर, पैसा, नाम, तरक्की, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। आसपास के लोग, परिवारजन, सहकर्मी, मरीज, छात्र, अब इधर उधर की बातें करते हैं, मैं उनकी बातें सुनती हूँ, तो साथ में ये सब भी देख लेती हूँ कि ये सब बातें किसके अंदर से आ रही हैं। ये बाहर गुस्सा है, भीतर से डरा हुआ है, दूसरा हावी होना चाहता है पर अंदर से डरा है, कोई अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा है, प्रशंसा का भूखा है, किसी को मेरी और दूसरों की आश्वस्ति चाहिए, और कोई मेरी बुराई कर रहा है क्योंकि उसे मेरी कोई फिक्री समझ नहीं आ रही, इत्यादि। फिर मन का एक हिस्सा ये भी तर्क देता है कि अभी परिस्थितियाँ, घटनाएँ मेरे बहुत प्रतिकूल नहीं हैं, शायद इसीलिए बेफिक्री के साथ रह पा रही हूँ। क्या ऐसी बेफिक्री तब भी बनी रहेगी जब कोई बड़ी शारीरिक या मानसिक क्षति हो, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु, मुझे या किसी करीबी को कोई बड़ी बीमारी इत्यादि, ये सब कैसे कर्तव्य चल रहे हैं मन में, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रियंका, ये छोटा प्रश्न है कि जो दिख रहा है वो स्थायी रहेगा या नहीं, जो दिख रहा है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बना रहेगा या नहीं। बड़ा प्रश्न ये है कि अभी दिख ही कितना रहा है, बड़ा प्रश्न ये है कि अभी दिख ही कितना रहा है। बाइबल का वचन है कि जिनके पास बहुत होगा उन्हें और मिलेगा, और जिनके पास थोड़ा होगा उनसे वो भी छीन लिया जाएगा जो उनके पास है। जो तुम्हारे पास है उसको बचाने का और बढ़ाने का एक ही तरीका है कि और पाओ। जो है वो थोड़ा है, अब थोड़ा असली हो थोड़ा नकली हो क्या फर्क पड़ता है, असली है तो भी थोड़ा है, नकली है तो भी थोड़ा है। 2 रुपया मिला 2 रुपया गवाया क्या फर्क पड़ता है, गवाया तो भी 2 रुपया, पाया तो भी 2 रुपया। बड़े की ओर बढ़ो, अभी अगर कुछ बातें हैं जो तुम्हें दिखने लगी हैं तो अनेकों बातें हैं जो अभी दिख ही नहीं रही। एक बात दिख रही है, 99 छुपी हुई है। हो सकता है विचारों के तल पर कुछ स्पष्टता आई हो, पर वृत्तियों के तल पर वही स्पष्टता है क्या? तो अभी ये प्रश्न ही मत पूछो कि मुझे जो मिल गया है वो कहीं आचरण मात्र तो नहीं, मुझे जो मिल गया है वो बना रहेगा, बचा रहेगा या नहीं। सवाल अभी ये है कि मिला ही कितना है, और अगर पूरी आश्वस्ति हो जाए कि जो मिला है
वो सात्विक ही है, उसमें सत्यता है, तो भी अगर वो थोड़ा है तो वो थोड़ा ही रहेगा, वो थोड़ा भी नहीं रहेगा वो छीन लिया जाएगा। तुम साइकिल लेकर के ऊपर कुछ चढ़ रही हो, ढलान पर चढ़ाई कर रही हो साइकिल लेकर के, गिरने से बचना हो तो एक ही तरीका है, क्या? पैडल मारते रहो, आगे बढ़ते जाओ। जो रुका वो रुका ही नहीं, वो पीछे जाएगा। तो इस पथ पर रुकना संभव नहीं है, क्योंकि तुम अपने खिलाफ चढ़ाई कर रहे हो, ढलान तुम्हारे विपरीत है। या तो तुम आगे बढ़ते रहोगे या फिर बुरी तरह पीछे जाओगे। तुम ये कह दो कि जो मिल गया है बता दीजिए उतना काफी है कि नहीं, तो व्यर्थ की बात है। तुम पूछो कि जो मिल गया है वो काफी है कि नहीं, तो प्रश्न ही व्यर्थ है, क्योंकि जो भी मिला है वो छीनने को तैयार बैठा है, यदि वो मिला भी है तो भी, और नहीं मिला है तब तो कोई बात ही नहीं। तो प्रासंगिक सवाल सिर्फ एक है, आगे बढ़ रहे हो या नहीं, जो बातें कल नहीं दिख रही थी वो आज दिखनी प्रकट हुई हैं या नहीं। इस शिविर में तुमने पहला ही प्रश्न पूछा था बच्चे को लेकर के, वो बच्चे तक ही थोड़े ही सीमित है बात, कि मैं शारीरिक रूप से मां बनूं या ना बनूं। तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या होता है स्त्री की वृत्ति में जो उसे मातृत्व की ओर ढकेलता जाता है। वास्तव में प्रकृति उस पर हावी हो जाती है। तुम छोटी लड़कियों को भी देखो, उन्हें छोटे छोटे जानवर, छोटे छोटे छौने बहुत पसंद आएंगे। उस वक्त वो ये जान भी नहीं रही होती हैं कि ये वो खुद ही शारीरिक रूप से मां बनने की तैयारी कर रही हैं, उन्हें दिख नहीं रहा होता है। हाँ, हो सकता है विचार के तल पे वो यही कहे कि देखो साहब, खुद अगर बहुत बच्चे पैदा किए तो मुक्ति में बाधा आती है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा आती है। और वो जब बातें सारी कह रही है, तब उसने अपने हाथ में कोई छौना उठा रखा है, उसको मुलायम मुलायम से हिला रही है, या किसी दूसरे का बच्चा लेकर के वो उससे लाड़ जता रही है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी चीज प्रकृति में, अस्तित्व में दूसरी चीज से पृथक नहीं होती है। तुम एक चीज से यदि संबंधित हो तो दूसरी चीज में प्रवेश करना पड़ेगा। मातृत्व को लेकर तुम्हारा प्रश्न था, इसीलिए उस पर आगे बोल रहा हूं थोड़ा। मातृत्व का निर्णय स्त्री अचानक थोड़ी कर लेती है, उसकी तैयारी तो उसके जन्म से ही चल रही होती है। देखती नहीं हो, वो गुड्डे गुड़िया का बिहार रचाती है। अब गुड्डा है और गुड़िया है तो साथ में बच्चे का आना तय है। अब अगर तुम गुड्डे गुड़िया का खेल रचाती हो, तुम्हें नन्हे मुन्नों से बहुत प्यार है, उन्हीं को लेकर के इधर उधर दौड़ रही हो, फोटो खिंचा रही हो, तो मातृत्व से कितने दिन दूर रह पाओगी? तैयारी तो पूरी है, तैयारी तो पूरी है ना। तो ये ना पूछो कि जो दिख रहा है वो बचेगा या नहीं, ये पूछो कि अभी तो मुझे बहुत कुछ है तो दिखता ही नहीं, मैं करे जाती हूं और समझ ही नहीं पाती हूं कि ये मेरे भीतर की किस वृत्ति से उठ रहा है। वो नन्ही सी मासूम लड़की है, मासूम भी नहीं कहूंगा मैं उसे, अबोध कहूंगा। अबोध बिल्कुल सटीक शब्द है, अचूक। अबोध माने समझ नहीं है उसे। मासूम होने और अबोध होने में बहुत अंतर है। मासूमियत का अर्थ होता है निर्मलता, और अबोध का अर्थ होता है अंधेरा, और निर्मलता अंधेरा नहीं होती। छोटा बच्चा अबोध है, उसको समझ नहीं है कुछ, वो अभी एक गहरे अंधेरे में जी रहा है। तो छोटी सी अबोध बच्ची है,
कहती थोड़ी फिर रही है कि मुझे माँ बनना है, माँ बनना है, पर उसके हाव भाव देखो, उसकी हरकतें देखो, समाज ने, संसार ने उसे क्या सिखा दिया ये देखो, और तुम बिल्कुल समझ जाओगी कि तय है कि इसका तो माँ बनना। भले ही ये मुंह से ये दावा करे कि मुझे नहीं बनना, पर देखो तो कि उसकी वृत्तियां उसे किधर को खींचे ले जा रही हैं, ये देखो कि क्या नहीं देख रही हो। मैंने अभी कल या परसों बात करी थी निरंतर अवलोकन की, और कहा था वही अनुशासन है। हमें पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। मैं तो वहां अपने कमरे के सामने खड़ा होकर के बीच बीच में थोड़ा नीचे देखता हूं और मुस्कुराता हूं। मैं कहता हूं इन्हें पता भी है ये क्या कर रहे हैं? कबीर कह गए, कबीरा यह मन लालची समझे नहीं गवार, भजन करे को आलसी भोजन को तैयार। मैं ऊपर देखूंगा भजन चल रहा है, बाहर भोजन चल रहा है, मैं कहूंगा इन्हें पता भी है ये क्या कर रहे हैं? जैसे कि कबीर अपने समय से 600 700 साल आगे आकर के आज का दिन देख गए हों और उन्हें पता हो कि आज ऐसा होगा कि भीतर भजन और बाहर भोजन चल रहा होगा। कबीरा यह मन लालची समझे नहीं गवार, भजन करे को आलसी और भोजन को तैयार। हमें नहीं दिखाई पड़ता कि हम प्रतिपल जो कर रहे हैं वो छोटी बात नहीं है, उसके दूरगामी परिणाम होने हैं, वो बात बहुत दूर तक जाएगी। वो बात बहुत दूर तक जाएगी। कोई निकले चाट के बाजार की तरफ और वहीं घूमता रहे और वैचारिक तल पर उसका प्रण यह हो कि मुझे तो चाट से और मसाले से परहेज करना है, तो ये संभव हो पाना है क्या? हो ही नहीं पाना। देर सवेर तुम्हें शिकार बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम देख ही नहीं रहे हो कि अभी जो तुम कर रहे हो वो तैयारी मात्र है चाट का पत्तल हाथ में ले लेने की। वो तैयारी मात्र है, थोड़ी देर में दोना तुम्हारे हाथ में होगा और तुम कह रही होगी कि भैया जरा हींग वाला और देना पानी इसमें। हाँ, तुमने अपनी ओर से दावा यही किया है कि मेरा कोई इरादा नहीं, और तुम्हारे दावे का मैं सम्मान करता हूं। जितना तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, जितना तुम्हें अपनी व्यक्तिगत समझ में आ रहा है, तुम चाह यही रहे हो कि तुम्हें चाट का शिकार न बनना पड़े, लेकिन तुम्हारी नजर बहुत धुंधली है, तुम्हारे ध्यान में कोई तीव्रता नहीं है, तुम देख ही नहीं पा रहे कि तुम किधर को जा रहे हो। हाँ, चाहते यही हो कि तुम्हारा कुछ बुरा ना हो, लेकिन चले उधर को ही जा रहे हो जिधर बुरा होना तय है। अब तुम्हारी चाहत से क्या होगा? तुम्हारी चाहत से क्या होगा? जो होना है वो तुम्हारी दिशा से होना है, नियत से नहीं। नियत होगी तुम्हारी कि बचा रह जाऊं, पर ये भी तो देखो कि तुम कर क्या रहे हो, जी कैसे रहे हो। जैसे जी रहे हो वैसे में बचे रह पाना संभव होगा क्या? बोलो। इसीलिए कहा गया है होनहार बिरबान के होत चीकने पात। पत्ते को मैं कहूंगा मूल से जो छोटे छोटे कर्म उद्भूत होते हैं। मूल अगर स्वस्थ है, होनहार है, तो हर छोटा छोटा कर्म चीकना होता है। चीकना माने स्वस्थ। पेड़ का स्वास्थ्य जानना हो तो क्या करोगे? एक एक पत्ते को जांचोगे? एक पत्ते को लोगे, देखोगे, कहोगे वाह ये पेड़ तो बहुत मजबूत है। तो वही मैं करता हूं, मैं ऊपर से बस एक हरकत देखता हूं और कहता हूं कि तुम्हारे पास गेहूं का बोरा आता है, उसमें कितने दाने हैं गेहूं के? कितने दाने? असंख्य। एक एक दाना जांचते हो, क्या करते हो? एक मुट्ठी लेते हो, देखते हो, कहते हो बात पकड़ में आ गई।
क्योंकि तुम जो हो वो तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत में परिलक्षित हो रहा है। अपनी प्रत्येक हरकत को पूछो, तू कहां से आई रे, तू आई कहां से। ये चाहत मुझ में क्यों उठी, भले ही वो चाहत बहुत छोटी सी हो, यही हो कि फलाने से हाथ मिलाने, फलाने के गले लग जाए या फलाने से दूरी बना के रखें, भले ही वो बात बहुत छोटी हो, पर पूछो अपने आप से, ये उठ कहां से रही है। मैं अमुक कपड़ा क्यों पहनना चाहती हूं, अमुक भाषा में क्यों बात करना चाहती हूं, अमुक तरह का साहित्य क्यों पढ़ती हूं, अमुक तरह के लोगों से क्यों मिलना जुलना। और ये तो फिर भी बड़ी बातें हैं, एकदम छोटे छोटे उदाहरण। यहां खाना खाने आई, मैंने वही कुर्सी चुनी, काहे को इतने विकल्प थे। मैं जो भी कुछ कर रही हूं, हर कृत्य के पीछे वृत्ति बैठी है। कल शंकराचार्य कह रहे थे ना कि कार्य में कारण अनुगत होता है, तो अपने कार्य को देख लिया तो पीछे जो मूल कारण बैठा हुआ है वो कारण समझ में आ जाएगा। कार्य के भीतर कारण छुपा हुआ है, तो अपनी हरकतों को देख लो, समझ जाओगे कि तुम्हारी हालत क्या है, तुम कौन हो और तुम्हारा हालचाल क्या चल रहा है। यही है आध्यात्मिकता, यही है अपने आप को गौर से देखना। हम पर कोई भी आफत यूं ही अचानक नहीं टूट पड़ती, और आफतों के मारे हम सब है ना, और आफतें जब आई तो ऐसे ही लगा कि तो अचानक से हो गया, भला चंगा मामला चल रहा था, ये क्या हुआ, आसमान टूट पड़ा सर पर, विपदा बता के आती है। बोलो, बता के तो नहीं आई ना, बस ये है कि जब वो आई तब वो बड़े स्थूल रूप में आई, बड़े मोटे रूप में आई, बड़े प्रकट रूप में आई, तो उसका आगमन पता चल गया कि ये मेरे ऊपर आफत आ ही गई। पर वो क्या अचानक से आई है, अचानक से आई है, उसके आने की तैयारी कब से हो रही थी, न जाने कब से हो रही थी। फिर बाद में तुम कहा करते हो कि पता है लक्षण तो पहले से ही बुरे थे, मैंने उनकी उपेक्षा की है कि नहीं। बोलो, मैंने देखा है छोटे स्टेशनों पर पहले ऐसा होता था, जब सूचना की कोई प्रणाली इत्यादि नहीं लगी थी, किसी लाउडस्पीकर इत्यादि पर कोई घोषणा नहीं होती थी कि ट्रेन कितनी देर में आ रही है, तब लोग पटरी पे कान लगा देते थे, उन्हें पता करना है कि ट्रेन आ रही है कि नहीं, तो वो चुपचाप पटरी पे कान लगा देते थे। अब ट्रेन दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर तुम चाहते ही हो कि पता चल जाए कि भविष्य क्या लेके आ रहा है अपने साथ, तो पता चल जाएगा, तुम्हें ध्यान देना है। छोटे छोटे कंपन आने लग जाते हैं पहले से, और जो उन छोटे कंपनों पर ध्यान नहीं देता, फिर ट्रेन आती है और उसको बेखबर पाती है, तुम बेखबर हो और उतनी बड़ी आ गई ट्रेन, और गति पूरी है उसकी, वो वाली ट्रेन है जो रुकने भी नहीं वाली, सड़सड़ा के निकलनी है, और तुम्हें होश ही नहीं था क्योंकि तुम कह रहे थे ये क्या। है यहां पर कोई जिस पर कभी आपदा ना आई हो, और बता दो कि आपदा ने पहले चिट्ठी लिख के तुम्हें सावधान कर दिया था, जिंदगी में जो तकलीफ आई, मुसीबत आई, वो पहले चिट्ठी भेजी थी, नहीं ना, पर चिट्ठी उसने भेजी थी, बस वो चिट्ठी आप पढ़ नहीं पाए, आपने चुना नहीं कि मैं उस चिट्ठी को पढ़ूं। और चिट्ठियां रोज आ रही हैं, चिट्ठियां प्रतिपल आ रही हैं, मैं यही कह रहा हूं उन चिट्ठियों को पढ़ो। इसीलिए बताने वाले बता गए हैं कि संपूर्ण भविष्य वर्तमान में ही छुपा हुआ है, सारी चिट्ठियां तुम्हें उपलब्ध हैं, सारी बातें तुम्हें उपलब्ध हैं,
तुम्हारी नजर पड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि तुम आशा के दीवाने हो। आने वाली आफत तुम्हें आज पता चल गई तो भविष्य को लेकर अपनी आशाएं कैसे बचाओगे? तुम जान ही गए कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो तुम्हें पतन ही देने वाला है, तो तुम पतन के मार्ग पर चलते हुए भी भविष्य के सुनहरे सपने कैसे बचाओगे? और हालत हम सबकी यही है, हम सब जा रहे हैं पतन की ओर ही, लेकिन सपने हैं उत्थान के। जीवन लगातार मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, और एक ऐसी मृत्यु मिलने वाली है जिसके पहले कोई सार्थकता नहीं, कोई तृप्ति नहीं, लेकिन सपने सबके यही है कि वाह, मेरी तो कहानी पूर्णता की ओर बढ़ रही है। अपने चारों ओर गौर से देखो, हम सब अपनी कहानियों के बीच ही मर जाते हैं। कोई है जो अपनी कहानियां पूरी करके मरता हो? कोई है ऐसा? तुम्हारी कहानी चल रही है, चल रही है, तुम्हारी कहानी तुम्हें बता रही है कि तुम ऊपर जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, और अचानक तुम पाते हो कि तुम यहां हो, कहानी खत्म। तुम्हारी कहानी अभी भी तुम्हें क्या बता रही थी कि मैं तो ऊर्ध्वगमन कर रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, अचानक आंख खुलती है और तुम पाते हो धड़ाम। वो इसीलिए क्योंकि तुम ऊपर कभी जा ही नहीं रहे थे, बस तुमने कल्पना कर रखी थी जैसे सब ठीक चल रहा हो। तुम अपने आप को साफ साफ देखने की इजाजत ही नहीं दे रहे थे कि अस्तित्व से तमाम संकेत क्या आ रहे हैं। और अस्तित्व से मेरा आशय यह नहीं है कि पेड़ पौधे और जानवर इत्यादि तुम्हें संकेत भेज रहे हैं। पेड़ के साथ तुम कैसे हो, यहां संकेत छुपा हुआ है। तुम जान लो कि तुम्हारी क्या दिशा है। इमारत के साथ तुम कैसे हो, भय के साथ तुम कैसे हो, पशु के साथ या बालक के साथ तुम कैसे हो, बस ये देख लो, इसमें तुम्हें भविष्य की सारी जानकारी मिल जाएगी। समझ रहे बात को? और भविष्य, मेरा आशय ये नहीं है कि भविष्य की घटनाओं को तुम जान जाओगे, भविष्य की जानकारी मिल जाएगी, इससे मेरा आशय है कि तुम आंतरिक तृप्ति की ओर बढ़ रहे हो या नहीं, ये तुम्हें पता चल जाएगा। भविष्य तो अप्रत्याशित है, बाहर बाहर क्या होगा इसका कोई नहीं पता कर सकता, लेकिन भीतर क्या होने वाला है ये तुम्हें पता चल जाएगा। एक साल बाद इसी दिन यहां धूप होगी कि छांव होगी कौन जानता है, लेकिन तुम आंतरिक तौर पर रोशनी की ओर बढ़ रहे हो या अंधेरे की ओर, यह तुम्हें पता चल जाएगा। बहुत सजग रहो, और सजगता तब नहीं जब माहौल में तख्ती लगी हो, कृपया सजग रहें, जैसे अभी अभी तो यहां बहुत बड़ा तख्ता लगा हुआ है, बैनर क्या, कृपया सजग रहें। सजगता की जांच तब होती है जब मैं यहां नहीं होता, तब पता चलता है कि तुम्हारे भीतर की दिशा किधर को है। और अभी कुछ घंटों बाद जब शिविर का समापन हो जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी दिशा किधर को है। अभी तो करीब करीब बलात् तुम शांत बैठे हो और ध्यान में बैठे हो, इस ध्यान में कोई असलियत नहीं। ध्यानी तुम कितने हो, शांत तुम कितने हो, ये तब पता चलेगा जब तुमको हृदंग करने का पूरा मौका मिलेगा। तब पता चलेगा कि तुम्हारी वृत्तियां तुम्हें कैसे नचा रही हैं। अभी तो कुछ नहीं, अपने पर नजर रखो, तुम खतरनाक हो, तुम अपने लिए ही बहुत ज्यादा खतरनाक हो। तुम्हारे सारे दुख और विध्वंस के बीज तुम्हारे ही भीतर बैठे हुए हैं, अपने पे नजर रखो। ये मैं क्या कर रही हूं, अचानक जग जाओ, सिर्फ इसलिए कुछ मत करो कि फिल्मों में होता है,
सिर्फ इसलिए कुछ मत करो कि वैसा करना अच्छा और मीठा माना जाता है। पूछो अपने आप से, मुझे ही करना किसने सिखा दिया? आधे से ज्यादा आचरण तो हमारा निर्धारित हो रहा है फिल्मों से, हमें पता भी नहीं है। ये क्या कर रही हूं मैं? कल जो कह रहे थे शंकराचार्य अपरोक्षानुभूति में, उसको भूलना मत। कार्य पर यदि दृष्टि रख ली तो कारण का उन्मूलन हो जाएगा। कार्य पर दृष्टि रखो, जो कुछ भी कर रहे हो उसको बस यूं ही मत करते रहो एक बेहोश भाव में, जैसे एक बेहोश आदमी हो और वो नदी में बहा चला जा रहा हो, जैसे एक टूटा हुआ पत्ता हो उसको हवाएं बहाए लिए जा रही, उसे कुछ होश नहीं, कोई खबर नहीं, कोई विरोध प्रतिरोध नहीं करने वाला। ऐसे मत जियो। अटका करो, झिझका करो, हिचका करो, अचानक ठिठक के खड़ी हो जाया करो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रुको, पॉज, ये क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है। Mm-hmm.